सो हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूँ सक्सन जाट और आप देख रहे हैं जाट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देख सकते हो मैंने बुक क्यों रखी है, आप देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस फटी हुई बुक को कैसे रिपेयर कर सकते हो, बिल्कुल मॉडिफिकेशन तरीके से, बिल्कुल इसको मॉडिफाइड कैसे कर सकते हो, बिल्कुल इसको नया कैसे बना सकते हो। तो आप देख लीजिए इसका दोस्तों, ये कैसे कितनी बेकार हालत में है इस टाइम। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, इसके पेपर वगैरह सब कुछ फटे हुए। और दोस्तों, ये काफ़ी बार होता है हमारे साथ, हमारी बुक जो है बिल्कुल ही बेकार हो जाती है और बिल्कुल फट जाती है। तो हम उसको रिपेयर कैसे करें, ठीक है। तो आपने जैसे कि थंबनेल में देखा आफ्टर बिफोर, तो बाकी मैं आपको ऐसा बना करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा दोस्तों, पहले मेरे वो के जो है फर्स्ट पेज है। तो दोस्तों, आपको पहले पेज नंबर देख लेना है, जो कि 159 है, और दोस्तों हैवल 158 है। तो आपको जो है पहले ये पेज वाइज इसको लगा लेना है। दोस्तों, मैंने पहले से लगा के रखे हैं, आपको इनको पेज वाइज लगा लेना है इस तरीके से। पेज वाइज लगाने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको इसको ऐसे रख के आप इसको चिपका भी सकते हो और आप इसको स्टेप भी कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरे पास स्टेपलर अवेलेबल है, तो मैं इस स्टेपलर से जो है इसको यहाँ पर इसमें स्टेप पिन लगा दूंगा। तो दोस्तों, आप किधर से भी लगा सकते हो, तो मुझे इधर से ज़्यादा पेपर निकल रहा है, तो आप इधर से स्टेप इस पर रखिएगा और यहाँ से इसको प्रेस कर दीजिएगा। आप इसको तेज़ से प्रेस कीजिएगा और आपकी स्टेप प्लर से पिन इसमें लग जाएगी। और दोस्तों, आपको एक पिन यहाँ पर लगा देनी है इसके लास्ट पे। आप इसको दोस्तों ग्लू से भी चिपका सकते हो और स्टेपलर से पिन भी लगा सकते हो। दोस्तों, मैंने इस पे तीन पिन लगा दी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको इस पे इसको ऐसे रखना है। रखने के बाद दोस्तों, ये जो फर्स्ट वाले पेज है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मेरे पास दोस्तों ये दो ही पेज अवेलेबल हैं, तो मैं इसको यहाँ से टेपिंग के माध्यम से इसको चिपका दूँगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने दोनों पेज भी जो है चिपका दिए। चिपकाने के बाद सिंपली इनको यहाँ पर रखना है और आप यहाँ से इसको स्टैप भी कर सकते हो और पिन भी कर सकते हो। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Escape my pain, I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many ones, I just saw they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but I'm a downfall, it's toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail.
तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो है मैंने इसमें बोल्ट वगैरह लगा दिए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप इसको टाइट कर लीजिएगा, और ये जो आपका फालतू बोल्ट है आप इसको कट भी कर सकते हो। तो मैं इसको कट नहीं करूँगा, और दोस्तों मेरी बुक जो है बिल्कुल रेडी हो गई, और मैं इसको कितना ही खींच लूँगा दोस्तों मेरी बुक ये फटेगी नहीं, काफ़ी मजबूत बुक हो गई है मेरी और काफ़ी अच्छी हो गई दोस्तों। तो इस तरह से आप दोस्तों घर पर ही अपनी बुक को ईजिली रिपेयर कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप इसमें पिन या टेप वगैरह लगाते तो आपकी बुक ये ज़्यादा दिन चलती नहीं, या इसमें और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। तो दोस्तों मैंने इससे प्रॉब्लम से छुटकारा पा लिया है, अब मेरी बुक बिल्कुल रेडी है और कहीं से भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आप जो है पेंच थोड़े पीछे करके लगाइएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर इस जगह बची हुई है, आप यहाँ पर इसके पेंच लगा सकते हो। तो दोस्तों वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें आप देख लीजिएगा इसमें जो है सवाल नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये नंबर है तो इसमें थोड़े नंबर कम दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए आप थोड़ा पेंच जो है पीछे करके लगाइएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।